हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग फिर आए हैं एक और बार माइनक्राफ्ट के 1 to 50 डे वाले वीडियो में। तो आज हम लोग इस डे को 100 डे करने वाले हैं। आप लोगों ने कमेंट करके कहा था कि भाई इसे 100 डे के लिए सर्वाइव करो, तो मैं 100 डे सर्वाइव करने के लिए आ गया हूँ। और मैं आज आप लोगों को 100 डे सर्वाइव करके और कुछ कामें करके दिखाऊंगा, और एंडर ड्रैगन को भी मारेंगे। तो अभी चलते हैं। तो आज हम लोगों का ये 51वां दिन था, और यहाँ पे मैं अपने पेंटा को देके सीधे माइनिंग पे निकलने वाला था। और माइनिंग करने से पहले यहाँ पे कुछ चेस्ट और कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं, और अपने जगह को थोड़ा सा अच्छा इम्प्रूव कर देते हैं, जैसे कि लगे कि हमारा माइनिंग सेंटर थोड़ा अच्छा दिखने में हो जाएगा। और इस वाले वीडियो में हम माइनिंग सेंटर को भी बहुत अच्छा लुक देने वाले हैं, क्योंकि माइनिंग सेंटर अपना अच्छा दिखेगा तो दिखने में काफ़ी सुंदर और प्यारा लगेगा, और मज़ा आएगी माइनिंग करने में, माइनिंग में जाने में अच्छा लगेगा। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले इसे अच्छा करते हैं। कुछ काम तो हो गया, कुछ यहाँ पे वुड्स लगा देते हैं, बाकी जो है इसे भी तोड़ के सीढ़ियाँ बना देते हैं। अभी अच्छे से सीढ़ियाँ बनाने वाले हैं, अब सीधे निकलते हैं हम माइनिंग पे, बाद में बनाएंगे उसे। तो माइनिंग करते वक्त मुझे कुछ देर हुआ था, तो मुझे कुछ गोल्ड मिल गए, उसके बाद से आगे मुझे कुछ डायमंड्स भी मिले। गोल्ड काफ़ी सारा मिला मेरे को यहाँ से, फिर कुछ बहुत सारे डायमंड्स मिले, और ये डायमंड्स मतलब बहुत ज़्यादा दूर माइनिंग करने पे थे। और कुछ कुछ गोल्ड इधर आस पास छूटे हुए थे, उसे भी माइनिंग किया और फिर आगे माइनिंग में लग गया। और माइनिंग करते वक्त मुझे आयरन भी बहुत सारा मिला, और मैं आयरन लेके फिर आगे माइनिंग करने में लग गया। अगले दिन मैं अपने माइनिंग सेंटर पे आया, और यहाँ पे कुछ गोल्ड स्मेल्टिंग में लगाए और आयरन भी स्मेल्टिंग पे लगाए। उसके बाद से फिर मैं माइनिंग करने में लग गया। माइनिंग से बाहर आया तो देखा कि यहाँ रात था, तो मैं कुछ टॉर्च लगाए चारों तरफ, और उसके बाद से मैं सीधे सोने निकला। अगले सुबह मैं उट्स काटने में लग गया, और बहुत सारे उट्स काटे। फिर मैं अपने घर में कुछ डोर्स लगाए और उसे अच्छा सा लुक दिया। बाप बारी थी अंदर हमारे इधर नीचे का काम करने का, और अपना इंचेंटिंग रूम बनाने में लग गया। इंचेंटिंग रूम के लिए अच्छा सा रूम तैयार करते वक्त ख़त्म हो गए थे हम लोगों के पास उट्स, तो मैं बाहर माइनिंग पे आया। और माइनिंग पे आया तो मुझे बहुत सारे शुगर केन मिले, तो मैं बहुत सारा शुगर केन तोड़ा और कुछ ट्री तोड़ा। फिर मेरे को घर आते आते रात हो चुका था, मतलब रात होने वाला था, तो मैंने अगली सुबह बिताई फिर जाके अपने इस अच्छे से इसको लुक देने में लग गया, यानी अपने माइनिंग सेंटर को अच्छा लुक देने में लग गया। तो लगातार कई दिन मेहनत करने के बाद इस शाम को मेरा काम कंप्लीट हो चुका था, और मैं अपने माइनिंग सेंटर का बहुत अच्छा लुक दे चुका था, जो बहुत सोचने के बाद आया था मेरे खोपड़ी में। तो मैं फिर अगले दिन यानी अगली रात को फटाक से अपने बेड के पास पहुंचा और सो गया। अगली सुबह मैं जानवरों को इकट्ठा करने में लग गया, और बहुत ज़्यादा देर मेहनत करने के बाद मेरे को कुछ बहुत सारे जानवर मिले, और मैं उन जानवरों को अपने घर के पास लाने में लग गया। तो लाए हुए जानवरों को मैं थोड़ा सा फूड खिलाया, और कुछ उनके अच्छे अच्छे बेबी को जन्म दिया, मतलब वो जन्म दिए। और फिर जाके हमने अगली सुबह अपने लिए इंचेंटिंग रूम बनाने वाले थे, तो सीधे अपने बेड पे निकल गए, और सोने के बाद अगली सुबह इंचेंटिंग टेबल बनाया, और उसके बाद से इंचेंटिंग टेबल को प्लेस किया, और उसके बाद से बगल बगल में बुक सेल्फ लगाने शुरू कर दिए। सब कुछ करने के बाद अब बारी थी एक्सपी फार्म बनाने की, तो हम एक्सपी फार्म बनाने में एक अच्छा सा जगह ढूंढा उसे बनाने के लिए, और हमें जगह घर के बगल में ही अच्छा लगा, और वहाँ पे काम चालू कर दिए। कई दिन बीत चुके थे और हम लोगों का एक्सपी फार्म बहुत कम ही बना था, तो फटाक फटाक बनाने में लग गए। तो हम लोगों का एक्सपी फार्म कम्प्लीट हो चुका था, और कुछ काम बचा था टॉर्च लगाने का, ये सारा काम करके और हम सीधे निकलने वाले थे नीचे एक्सपी देखने में कि क्या होता है, हम लोगों का एक्सपी फार्म वर्क करता है कि नहीं। उसके बाद से अपने वाटर बकेट ले और MLG करने में लग गया, और मैं कई MLG करके सीधे अपने एक्सपी फार्म के करीब पहुंचा, और पहुंचते ही मेरे को वहां पे कुछ नहीं दिखा, और कुछ नहीं दिखा लेकिन एक चीज़ दिखा, वो भी इस मकड़ी का एक छोटा सा जाला। तो उसे इग्नोर करके अपने डायमंड को लिया, और मैं अपने घर में विराजमान हो गया। थोड़ी देर बाद मैं अपने एक्सपी फार्म पे गया, तो वहाँ एक विच को देखा, और मैं विच को मारने में लग गया, तभी वो मुझे जहर पिला दी, और मैं मरने की कगार पे पहुँचने वाला था। लेकिन कैसे भी करके मैंने उसका खात्मा किया, और उससे मिली हुई चीज़ों को मैं अपने घर में स्टोर किया, और उसके बाद से इंचेंटिंग टेबल को अस्थिर करने में लग गया। और यहाँ पे कुछ काम बाकी था, तो इसे भी कंप्लीट करने में मैं लगा रहा, और उसके बाद से
इसे प्लेस किया और कुछ बुक सेल्फ थे जिसे मैं ऊपर और कुछ साइड में लगाया। तो अभी हम लोगों का फाइनली पूरा अपना एन्चेंटिंग रूम बन चुका था और एन्चेंटिंग रूम में मैं अपना पूरा आर्मर एन्चेंटिंग करने वाला था। तो एन्चेंटिंग करने में मैं लग गया, लेकिन मेरे को पता चला कि उसमें एक्सपी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं एक्सपी इकट्ठा करने में लग गया। और कई दिन लगातार मेहनत करने के बाद मेरी एक्सपी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मैं अपने सारे सूट को इंचेंटिंग किया और इंचेंटिंग भाई मतलब टट्टी वाला इंचेंटिंग ये दे रहा था, लेकिन हमें ज़रूरत थी अपने केवल इंचेंटिंग आर्मर की। तो मैं अपने आर्मर और कुछ वेपन्स को लगातार इंचेंटिंग किया और मेरी एक्सपी बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन मैं उसे इग्नोर करके इंचेंटिंग करता रहा। और मेरे पास जितने भी टूल्स थे डायमंड के, उन्हें मैं इंचेंटिंग किया और अपने पोशाक को धारण करके मैं एंडरमैन को मार और के अपने पास बहुत सारे एंडरपॉल और फ्रेटन रोड मैंने बहुत पहले इकट्ठा करके आगे मैं अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने में लग गया। और स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा दिन हो गए और ये वीडियो केवल 50 से 100 दे सर्वाइव था, लेकिन उससे कुछ मैं ज़्यादा दिन तक सर्वाइव एंडरपॉल को फेंका और अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने में मैं लग गया। और जाते जाते मेरे को रास्ते में बहुत सारी लूटे मिली और मैं उन सारे लूटों को इकट्ठा किया और मेरे को यहाँ से गोल्डन एप्पल भी मिल गया था। बहुत ज़्यादा देर माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया। और स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते ढूंढते मेरे को बहुत ज़्यादा समय लग गया, लेकिन मेरे को मिला नहीं, लेकिन मैं हार नहीं माना और उसे ढूंढता रहा। तो फाइनली हम लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया था और उसके बाद से मैं उसे एक्टिवेट किया। और उससे पहले मैं अपनी कुछ सेफ्टी रखी और एक्टिवेट करने के बाद मैं अपने सारे चीज़ों को स्टोर करके बाहर ही और बेट लगा के मैं सीधे स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंटर किया। और मैं जैसा ही एंटर किया, मुझे यहाँ एक टट्टी जगह पे स्पॉन कर दिया था। तो मेरे पास एंडरपल था, मैं एंडरपल मारा और एंडरमैन को मारने के लिए एंडर ड्रैगन को मारने के लिए मैं चला गया। एंडरमैन के सारे एनर्जी स्रोत को तोड़ा और धीरे धीरे करके मैं उन सारे स्रोतों को तोड़ दिया जिससे वो अपना पावर बनाता है। और उसके बाद से बहुत मेहनत करने के बाद एंडर ड्रैगन को मैं मार गिराया और एंडर ड्रैगन से मिली एक्सपी सारी एंडर पोर्टल में गिर गई, लेकिन फिर भी मैं कलेक्ट किया और अपने पास केवल 60 एक्सपी हो चुका था। उसके बाद मैं सीधे घर के लिए रवाना हुआ और रवाना होते ही मैं अपने कहीं और स्पॉन हो गया अपने स्पॉनिंग जगह पे। उसके बाद से मैं अपने घर निकला और हम लोगों की ये 50 to 100 डे वाली जर्नी ख़त्म हो गई थी। और अगर ये जर्नी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर इस जर्नी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि ये 100 to 150 डे हो सकता है अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले किसी खतरनाक भरे वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि इस चैनल पे फॉर वीडियो जल्द ही आने वाला है। लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं, मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद। बेटे नाचते हैं तेरे